मंगलवार को श्रीनगर में देवास के घिचलाय के रहने वाले जवान नीलेश धाकड़ की मौत के बाद गुरुवार शाम सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। गुरुवार सुबह सेना के अधिकारी और जवान जैसे ही महू से पार्थिव देह लेकर रवाना हुए, सैनिक के सम्मान के लिए पूरे रास्ते लोग खड़े दिखे। जैसे जैसे शव वाहन आगे बढ़ा, लोग साथ चल दिए। इस दौरान रास्ते भर में फूल बिछाए गए थे और जगह जगह रंगोली बनाई गई थी। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार खेत पर किया गया। दाश सेना के अधिकारी और जवान गुरुवार सुबह 8 बजे महू से नीलेश का पार्थिव शरीर लेकर रवाना हुए। सैनिक के सम्मान में महू से लेकर गांव तक लोग जुलूस के रूप में खड़े रहे। जहां से भी पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों ने अंतिम दर्शन किए और भारत माता की जय लगाकर उसे विदा किया। कहीं सम्मान में पोस्टर लगाए गए तो कहीं रंगोली बनाई गई। देवास में अंतिम दर्शन को सैकड़ा लोग उमड़ पड़े। इस दौरान रास्ते भर महिलाएं, बच्चे, बड़े और बूढ़े सब अंतिम दर्शन को पहुंचे।